एक कक्षा आठ का एक्सरसाइज वन सी का पांचवा क्वेश्चन है ना दो परमेय संख्याओं का योगफल माइनस पाँच है यदि इनमें से एक संख्या माइनस सोलह बटे सात हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है जी तो दो परमेय संख्याओं का योगफल इतना है तो हम इधर लिखेंगे ऐसे कि माना पांचवा क्वेश्चन है माना दो परमेय संख्याए क्योंकि दो परमेय संख्या दी नहीं है माना दो परमेय संख्याएं ए और बी हैं ठीक है जी, और बी का योगफल माइनस पांच दे रहा है जी ना कह रहा दो परमेय योगफल माइनस पांच है तो दो परमेय संख्या मान लिए कि ए और बी जी इनका योगफल माइनस पांच है तो क्या लिखे प्रश्न में दे रहा है यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्न अनुसार अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो परमेश संख्याएं हैं उनका योगफल माइनस पांच है न जी यानी एक परमेश संख्या ए है तो क्योंकि ऊपर माने और दूसरी परमेश संख्या बी है जी इनका योगफल माइनस पाँच है ठीक है ना जी यह हमें दिया है क्वेश्चन में एक चीज दिया है और दूसरी चीज ये दिया है एक परमे संख्या दे रखा है इनमें से एक संख्या ये है यानी एक परमे संख्या यानी पहली संख्या ए थी तो का मान दे रखा है माइनस सोलह बटे सात जी एक परमेय संख्या ये है तो दूसरी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए यानी दूसरी परमे संख्या बी है जिसको इसको ज्ञात करना है क्वेश्चन समझ में दो परमेय संख्या ए और बी है

ये बी क्या है चर है या चार है चर है चर है ना और चर प्लस में है जी। तो इसको यहीं पर रहने देंगे बी यहीं पर माइनस सोलह बटे सात उधर लेकर ले जाएंगे उस पक्षांतर करेंगे न जी। जी। तो हो जाएगा प्लस सोलह बटे सात ठीक है अब पांच बटे माइनस पांच बटे एक लिख सकते हैं इसे जी तो बी बराबर एक और सात कलासा एक हो गया जी एक सत्य सात सात बार गया तो सात पचे पैंतीस पैंतीस प्लस सात एक कम सात एक बार गया तो सोलह कम सोलह सोलह बी बराबर इसमें गुणा नहीं हो रहा है और माइनस और प्लस लिखा हुआ है तो इसमें घटाओ की संक्रिया होगी ठीक है कौन सी संक्रिया होगी घटाओ की संक्रिया होगी घटाओ की क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ा ये है ये छोटा ही है इसमें तो इसमें से ये घटा देंगे पंद्रह में से छह गए नौ नौ और दो में से एक गए एक बड़ी संख्या पैंतीस है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए जी बटे सात तो ये जो बी है ये दूसरी परमे संख्या की वैल्यू आ गई माइनस उन्नीस बटे सात अब देखना ये है कि क्या ये दूसरी परमे संख्या जो पूछ पूछो तो इसमें ये सही है कि नहीं ना कहना दूसरी परम संख्या ज्ञात कीजिए तो दूसरी परमे संख्या यानी कि बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो बी की वैल्यू माइनस उन्नीस बटे सात निकाल लीजिए जी अब चेक करना है कि क्या जो वैल्यू निकली है वो सही भी है कि नहीं तो क्या करेंगे उत्तर की जाँच करेंगे क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे उत्तर की जांच करेंगे जांच करेंगे। <tap> कैसे करेंगे वही ए प्लस बी बराबर माइनस पांच था जी ए की वैल्यू पहले ही माइनस सोलह बटे बाया पक्ष बाया प्लस बी है जी ए का मान पहले था जी माइनस सोलह बटे सात तो माइनस सोलह बटे सात ये प्लस है प्लस लगाए बी है माइनस उन्नीस बटे सात जी बटे तो दाया पक्ष क्या आना चाहिए आना चाहिए, तो आना चाहिए ना जी बाया तो प्लस माइनस माइनस उन्नीस बटे सात ठीक जी तो सात और सात का लासा सात हो गया ऊपर वाला उतार लिया माइनस सोलह माइनस उन्नीस तो नौ छः पंद्रह कहाँ लगा है एक 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 दो एक तीन और माइनस माइनस प्लस हुआ तो जोड़ लिया इसको लेकिन चिन्ह माइनस एक लगेगा बट इस साथ तो सात पचे पैंतीस पैंतीस वो भी माइनस में क्योंकि ऊपर माइनस है जी। तो हमें मिल गया क्या दाया पक्ष क्या मिल गया दाया पक्ष दाया पक्ष तो बाया पक्ष लिए इसको सॉल्व किए तो दाया पक्ष यानी माइनस आ गया इसका मतलब हमारा बी का वैल्यू माइनस उन्नीस सही है क्योंकि इस वाले इक्वेशन में बी का मान रखने पर माइनस पाँच को संतुष्ट कर दे रहा है जी यानी कि ये हो गया अपना उत्तर उत्तर जब उत्तर की जांच कर लिए जब जांच हो गया तो ये हो गया अपना उत्तर उत्तर